नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ समय में यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा अपनी रेट्स ऑफ इंटरेस्ट में लगातार बढ़ोतरी किए जाने से इंडिया में भी इस बात का इम्पैक्ट इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज देखने को मिला। और दोस्तों, इस इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से, जो कि RBI द्वारा लगातार की जा रही हैं, उसका इम्पैक्ट बैंकों द्वारा अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का बर्डन अपने कस्टमर्स पर डालना भी रहा है। अब यदि आपने कोई होम लोन लिया या आपने कोई मोर्गेज लोन लिया, तो वो नेगेटिव अमोर्टाइजेशन की गिरफ्त में आ सकता है। तो आपके दिमाग में नेचुरली एक प्रश्न आएगा कि अनूप जी, ये नेगेटिव अमोर्टाइजेशन कौन सी नई टर्म आ गई और इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, या मुझ पर ये चीज एप्लीकेबल है भी या नहीं है। तो आज की इस वीडियो के थ्रू दोस्तों, मैं आपके समक्ष नेगेटिव अमोर्टाइजेशन क्या है और इस नेगेटिव अमोर्टाइजेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या यदि ये हो गया आपके भी लोन के केस में, तो आपको क्या प्रोबेबल सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, नेगेटिव अमोर्टाइजेशन को समझने से पहले आपके समक्ष ये बात रखता हूं कि अमोर्टाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज अमोर्टाइजेशन, ताकि एज ए लेमैन आप यदि ये समझ पाएंगे कि अमोर्टाइजेशन क्या है, तो आप नेगेटिव अमोर्टाइजेशन को भी फर्दर और क्लैरिटी से समझेंगे। मान लीजिए मैंने आपके समक्ष एक केस रखा कि एक सज्जन ने 35 लाख रुपए का एक लोन, 35 लाख रुपीज का एक लोन 6.5% की इंटरेस्ट रेट पे बैंक से लिया फॉर अ पीरियड ऑफ 240 मंथ्स। अब उनकी EMI आ गई 26,095। दोस्तों, होता क्या है कि इस 35 लाख के लोन पर 6.5% की रेट से, मान लीजिए होम लोन है, पहले महीने का ब्याज बना 18,958। तो आपकी EMI में से ये इंटरेस्ट घटेगा और बाकी अमाउंट आपके प्रिंसिपल में चला जाएगा। तो ये जो पैसा प्रिंसिपल में गया दोस्तों, इसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। अमोर्टाइजेशन का मतलब है कि इतना प्रिंसिपल के पेटे आपका पैसा किस्त में जमा हुआ। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब इन सज्जन की दूसरी किस्त आई, तो इनका जो पहले इंस्टॉलमेंट के समय लोन अमाउंट 35 लाख था, वो घटकर के 34,92,863 34,92,863 रह गया। सो ऐसे हर EMI में आप देखेंगे कि उनका अमोर्टाइजेशन होता जा रहा है, कुछ अमाउंट इंटरेस्ट में और कुछ अमाउंट प्रिंसिपल में, कुछ अमाउंट इंटरेस्ट में और कुछ प्रिंसिपल में जा रहा है। तो से फॉर एन एग्जाम्पल, 7 महीने पूरे होने के बाद में, 6 महीने पूरे होने के बाद में उनका लोन रह गया 34,59,494। तो अमोर्टाइजेशन क्या हुआ दोस्तों? अमोर्टाइजेशन का मतलब है कि आपकी मंथली किस्त में से इंटरेस्ट घटाने के बाद कितना पैसा मूल के पेटे जमा हुआ, दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। अब दोस्तों, क्योंकि आपने अमोर्टाइजेशन को मेरे साथ समझ लिया, तो आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई होगी कि अनूप जी ठीक है, अब मैं समझना चाहता हूं नेगेटिव अमोर्टाइजेशन क्या है। देखिए, उसी शीट को मैंने फर्दर एक नया शेप देने की कोशिश करी विद द सेम एग्जांपल कि मान लीजिए मिस्टर एक्स ने 35 लाख का लोन लिया, 6.5% की इंटरेस्ट रेट थी, EMI उनकी 26,095 थी, इंटरेस्ट 18,958 हुआ, प्रिंसिपल यानी अमोर्टाइजेशन पहले महीने का 7,137 हुआ। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ दोस्तों, देखिएगा, चौथे महीने में उनकी इंटरेस्ट रेट सीधे 1% बढ़कर के 7.5% हो गई। तो उनका अमोर्टाइजेशन जो पहले 7,000 रुपए के लगभग हो रहा था, वो घटकर के रह गया 4,000, यानी आपकी किस्त में से ज्यादा पेमेंट इंटरेस्ट में जाने लग गया और कम पेमेंट मूल में जाने लगा। मान लीजिए सातवें महीने में इंटरेस्ट रेट और 1% बढ़ गई, 8.5% हो गई। तो आप देखिए दोस्तों, उस परिस्थिति में उनका इंटरेस्ट का कंपोनेंट और EMI में बढ़ गया और प्रिंसिपल घट करके अब केवल 1549 रह गया। जबकि कॉन्सेप्चुअली अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती, तो हर महीने प्रिंसिपल धीरे धीरे बढ़ना चाहिए था, तभी तो लोन चुकेगा। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, 10वें महीने के बिगिनिंग में इन सज्जन की रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़कर के 9.25 हो गई, क्योंकि वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन होते हैं। तो सेम इंस्टॉलमेंट जो 26,095 थी, आप देखिए दोस्तों, उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट ही 26,676 हो गया। तो ये हुआ नेगेटिव अमोर्टाइजेशन, यानी आपकी पूरी किस्त लेने के बाद भी बैंक केवल ब्याज रिकवर कर रहा है, रादर ब्याज भी पूरा नहीं रिकवर हो पा रहा, तो फिर प्रिंसिपल में तो कुछ पेमेंट जाएगा ही नहीं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को दोस्तों नेगेटिव अमोर्टाइजेशन के नाम से जाना जाता है।
तो नेगेटिव अमोर्टाइजेशन किसी भी बोरोवर के लिए, यदि आपने लोन ले रखा है, होम लोन, मोर्गेज लोन, टॉपअप लोन, किसी भी नाम से आप जानिए। और जनरली एक बात ये और जोड़ना चाहूंगा कि नेगेटिव अमोर्टाइजेशन जो टर्म है दोस्तों, वो आपको ज्यादातर देखने की मिलेगी लंबी अवधि के लोन में। और आजकल तो होम लोन 20 साल क्या 25 25 साल के लिए किए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में नेगेटिव अमोर्टाइजेशन होने की संभावना ज्यादा है। अब क्योंकि नेगेटिव अमोर्टाइजेशन हो गया, बैंक आपको इस नेगेटिव अमोर्टाइजेशन की हालत में रहने नहीं देगा। मान लीजिए प्रेजेंट केस में 26,676 रुपीज का इंटरेस्ट हुआ, जबकि किस 26,095 ही आई, तो बैंक चाहेगा कि नहीं साहब आप मिनिमम ये तो दें, बल्कि कुछ मूल में और जमा कराएं। तो अब इस नेगेटिव अमोर्टाइजेशन का समाधान क्या हो, मैं उस ओर आपको लिए चलता हूं। तो दोस्तों समाधान क्या हो, हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव अमोर्टाइजेशन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इन द प्रेजेंट डे सिनेरियो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक एट लार्ज, फॉर द बोरोवर एट लार्ज टू अंडरस्टैंड कि ओके अगर मेरे केस में नेगेटिव अमोर्टाइजेशन हो गया तो मैं उसे कैसे कंट्रोल करूं। दो रास्ते हैं, पहला आप यदि अपनी ईएमआई इंक्रीज कर सकें तो बहुत अच्छा हो। जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपकी ईएमआई अमाउंट से ज्यादा तो इंटरेस्ट था, तो मान लीजिए उन सज्जन की ईएमआई तो थी 26,000 26,000 और इंटरेस्ट आ रहा था 26,500, तो जब तक वो अपनी ईएमआई को 26,500 से ऊपर नहीं ले जाएंगे तब तक नेगेटिव अमोर्टाइजेशन बंद नहीं होगा। तो एक तरीका हुआ ईएमआई बढ़ना। दूसरा तरीका है दोस्तों मेकिंग प्रिंसिपल प्री पेमेंट, कि आप अपने कुछ मूल का भुगतान कर दीजिए ताकि उस एक्सटेंट तक आपका ब्याज लगना बंद हो और आपका ईएमआई जो है वो उस लेवल पर आ जाए जिससे कि उसमें इंटरेस्ट के साथ मूल की भी रिकवरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखता हूं सर, कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है ना, देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द इंटरेस्ट रेट, तो बैंक या एनबीएफसी क्या करती है, वो बाय डिफॉल्ट आपका टर्म को बढ़ाती जाती है। जैसे अगर टर्म आपका 20 साल था, मान लीजिए वो 22 साल हो गया, मान लीजिए बाद में वो 24 साल हो गया, तो इस प्रकार टर्म बढ़ता रहता है। लेकिन जिस दिन टर्म बढ़ाने से भी बैंक को काम नहीं चलता, उस दिन दोस्तों वो क्या करते हैं, वो हो सकता है नेगेटिव अमोर्टाइजेशन की सिचुएशन हो, तो वो आपको कहेंगे कि नहीं साहब अब तो आपको ईएमआई भी बढ़ानी पड़ेगी। तो जिस दिन नेगेटिव अमोर्टाइजेशन का लेवल क्रिएट हो जाता है दोस्तों, उस दिन बैंक या एनबीएफसी आपकी ईएमआई को बढ़ाने के लिए काम करेगी। और कैसे ईएमआई बढ़ाएगी, वो कहेगी कि ओके आपको 240 मंथ के लिए लोन दिया था, से 10वें महीने के बिगनिंग में आपका लोन नेगेटिव अमोर्टाइजेशन में आ गया, तो अब हम ये देखेंगे कि उस दिन आपका जो बचा हुआ प्रिंसिपल है और उस दिन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, अगर वो लगा करके रिमेनिंग महीने 230 महीने होने चाहिए थे आइडियली, उसके लिए ईएमआई कैलकुलेट की जाए तो वो क्या हो, मान लीजिए वो ईएमआई आती है 26,000 पहले की ईएमआई की जगह 28,000, तो बैंक कहेगा लाइए जी अब आप 28,000 देना शुरू करिए। यानी अल्टीमेटली बर्डन किसकी पॉकेट पर आया, बोरोवर की पॉकेट पर। तो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना दोस्तों बहुत नुकसानदायक होता है किसी लोन लिए व्यक्ति के लिए, और कहीं उसका लोन नेगेटिव अमोर्टाइजेशन में आ गया तो उसमें एक रास्ता इंक्रीजिंग द ईएमआई, ज्यादातर रादर यही रास्ता अपनाया जाता है। दूसरा जो मैंने आपको बोला सर मेकिंग प्रिंसिपल प्री पेमेंट, उससे क्या होता है कि आपका मूल क्योंकि एकदम कम होगा आपके किसी प्री पेमेंट से, तो आपका लगने वाला ब्याज भी हर महीने कम होगा और इसका इंपैक्ट आएगा कि आपकी सेम ईएमआई में हो सकता है रिमेनिंग पीरियड के लिए लोन मैनेज हो जाए। एक क्वेश्चन का आंसर ये जरूर दूंगा यदि आपके दिमाग में आ गया होगा कि भाटिया जी मैं कैसे जानूं कि मेरा केस नेगेटिव अमोर्टाइजेशन का है और मुझे ईएमआई कितनी बढ़ानी पड़ेगी या कितना आइडियल प्रिंसिपल प्रीपेमेंट मैं कर दूं। इन सब प्रश्नों का उत्तर दोस्तों आपका रिलेवेंट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको देगा और आप पूर्णतया हकदार हैं इन क्वेश्चंस को उनसे पूछने के लिए और इनका उत्तर प्राप्त करने के लिए। अब दोस्तों जो रास्ते मैंने आपको बताए उन्हीं दोनों रास्तों को एक एक एग्जाम्पल से आपके सामने रखता हूं कि लेट्स लर्न बाय एग्जाम्पल। पहला केस वेयर ड्यू टू नेगेटिव अमोर्टाइजेशन ईएमआई इंक्रीज इज टेकिंग प्लेस। से फॉर एन एग्जाम्पल, ये हमने पहले भी केस किया था कि 35 लाख का लोन 6.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट, 26,095 की ईएमआई, इतना इंटरेस्ट इतना प्रिंसिपल, से 10वें महीने में ये लोन नेगेटिव अमोर्टाइजेशन में आ जाता, इस ईएमआई से पर्पज नहीं सॉल्व होता क्योंकि ऑलरेडी 26,676 का तो इंटरेस्ट हो गया। तो उस क्लाइंट को बैंक ने या एनबीएफसी ने बोला या उन्हें खुद लगता है कि अभी सर मैं इतनी ईएमआई बढ़ा सकता हूं, तो उन्होंने अपनी ईएमआई 28,500 करी एट दिस रेट, तो उनका नेगेटिव अमोर्टाइजेशन से केस अब बाहर निकल आया। तो एक ऑप्शन हुआ
by enhancing EMI, you can avoid your negative amortization case. अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जहां पर मैं प्रिंसिपल रीपेमेंट की बात कर रहा हूं कि सपोज इसी केस में जहां पर 6.5 टू 7.5 देन टू 8.5 और 9.25 पे आते ही ये केस नेगेटिव अमोर्टाइजेशन में चला गया, तो जो क्लाइंट था या आपके जैसे कोई कस्टमर है, उन्होंने 2 लाख रुपए का एक बुलेट पेमेंट प्री पेमेंट कर दिया, तो नेट उनका अमाउंट रह गया 32,60,649, तो 32,60,000, जबकि पहले कितना था 34 लाख. अब विद द इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट विद दिस सेम ईएमआई नहीं मैं यहां पर चेंज कर रहा, उनका इंटरेस्ट कंपोनेंट कम हो गया दोस्तों, तो 961 रुपीस का प्रिंसिपल ही कुछ तो आने लगा, तो ये केस फिर नेगेटिव अमोर्टाइजेशन से बाहर है. अब आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि अनूप जी, अगर मैं इस प्रकार से 2 लाख का प्रीपेमेंट करूं या मेरी ईएमआई को बढ़ाऊं, ये कौन डिसाइड करेगा? देखिए, आपको मैंने पहले भी बोला, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलना पड़ेगा, वो आपको बताएंगे कि आइडियली सेम रीपेमेंट टर्म रखने के लिए आपको कितना मूल देना चाहिए एक्स्ट्रा, या सेम रीपेमेंट टर्म रखने के लिए विद द एनहांस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितनी ईएमआई देनी चाहिए. इससे आपको पता चलेगा कि ओके, मुझे ईएमआई में इतनी बढ़ोतरी करनी चाहिए. तो अंत में दोस्तों, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यदि आपका केस किसी वजह से नेगेटिव अमोर्टाइजेशन में आ गया क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, तो आपको बहुत ज्यादा चिंता अभी नहीं करनी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का ये जो ट्रेंड रीसेंट पास्ट में आया है, ये अगले 1 या 2 साल में थमेगा और रादर इंटरेस्ट रेट पुनः नीचे की ओर सेटल होनी चाहिए. लेकिन तब तक के लिए आपको नेगेटिव अमोर्टाइजेशन कंट्रोल करने के लिए मैंने जो 2 ऑप्शन बोले, ईएमआई बढ़ाना या प्रिंसिपल पेमेंट करना, या इन दोनों का भी एक कॉम्बिनेशन बनाने की आवश्यकता निश्चित रूप से रहेगी. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी. यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे लिखें, मैं उनका उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.